तो ये देखिए हम लोग ने ये नेक्स्ट वीडियो में ये ले लिया है यहाँ पे पानी, और हम लोग ने इसके पहले जो वीडियो बनाया था इसमें वॉशिंग पाउडर बनाया था, और सबके सर आप लोग के सामने बना है जी। ये वही वॉशिंग पाउडर है जो अंदर से बाहर आया इस वीडियो में, ठीक है। आप लोग ने इसका देखिए एक बार आप बाहर की, इसमें व्हाइटनेस है और ड्राइनेस है कि नहीं? हाँ, पाउडर बिल्कुल व्हाइट है और खूबसूरत भी लग रहा है, खूबसूरत देखने में लग रहा है। और कितने आइटम लेके बनाए ये? चार से पांच आइटम लग रहे हैं, चार से पांच, मुश्किल से पांच से छह आइटम जहां मैं याद देख पा रहा हूं कि हम लोगों ने इसको बनाया है। इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा क्लीनिंग के दो आइटम डाले हैं, ओटी पेस्ट, और फोमिंग के दो आइटम डाले हैं, ओटी पेस्ट और प्रीमिक्स, और एक हमने इसमें कास्टिक डाला है, बाकी इसमें फिलर है और दाना और परफ्यूम डाला है, बस इतने ही आइटम लेके हमने इसको बनाया है। और इसकी अभी हम लोग टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले मैम क्या आप बनाना चाहेंगी, इसकी टेस्टिंग करना चाहेंगी? ठीक है, हमने आपको ये पानी दे दिया, आप अपने हिसाब से इसकी टेस्टिंग करिए। पानी के हिसाब से हम कम ही पाउडर लिए थे जी, पानी के हिसाब से आपने कम पाउडर लिया, मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला हाँ। क्योंकि आप अपने हिसाब से चीजों को लेंगी, ठीक है। और झाग बनाने के तरीके में फर्क है, अभी आपसे एक बार करवाने के बाद अरविंद जी या मैं बना के दिखाऊंगा इसमें कितनी अच्छी रिजल्ट्स आते हैं झाग सफाई। देखिए सबका अपना अपना झाग बनाने का तरीका होता है, तो मैंने मैडम आपसे इसलिए बनवाया क्योंकि घर की जो लेडी हमारी है वो सबसे ज्यादा एक प्रोडक्ट को समझ सकती है। पाउडर के हिसाब से झाग अच्छा है। अरविंद जी एक बार आप बना के दिखाइए, अभी देखिए पूरा तसला भर जाएगा। देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये काफी अच्छा काम करता है, और सिर्फ एक झाग बनाने का तरीका देखिए, ये जो बात समझानी थी आप लोगों को यही है, क्योंकि हमने मैम से इसलिए बनवाया, इसको मैम माइंड मत करिएगा, क्योंकि लेडीज कैसे हाथ चलाती है झाग बनाते हैं घर में, वही एक डिसाइडिंग फैक्टर होती है कि एक प्रोडक्ट को कैसे जज किया जाता है, ठीक है। अभी मैम आपने झाग बनाया, देखिए अरविंद जी ने थोड़ा सा हाथ कड़ा चलाया तो झाग देखिए उसी प्रोडक्ट में और बन रही है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, झाग हमेशा कम से कम 20 से 30 सेकंड बनानी चाहिए, ऐसा इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि उसके बाद ही रिजल्ट बिल्कुल रियल दिखता है। देखिए अच्छा है, फोमिंग भी अच्छा है, देखिए और पानी में चिकनाहट है, चिकनाहट है इसमें है। सर आप लोग भी, बच्चे आप लोग भी देख सकते हैं कि आप लोग के हिसाब से चीजों को बनाया गया है। आपने इस चीज को देखा कि लोग कैसे चेक करते हैं, मैम ने पहले थोड़ी कम क्वांटिटी डाली, फिर मैम को लगा कि कम है, तो मैम ने, मैंने इसलिए कुछ भी नहीं बोला बीच में, मैम ने उसको थोड़ा सा अपने आप से संशोधित किया, थोड़ी सी ज्यादा डाली। और ये देखिए आप, इन्होंने मैम ने पहले झाग बनाई फिर सर ने झाग बनाई, देखिए फर्क आया, अभी ये और बन सकती है, आपको ये अभी भी पूरी झाग नहीं आई है, पाउडर के हिसाब से इतना झाग बहुत है सर, इससे मैम इससे भी ज्यादा बन सकता है। अच्छा अब हम लोग अभी इसमें तीन चार चीजें देखेंगे, एक तो देखिए इसमें झाग जो बन रहा है क्या वो टिकाऊ है आपके आप लोगों के हिसाब से, रुक रहा है? जी सर जी। हाथ में लेने में क्या इसके बबल्स फट रहे हैं? ना। ये इस वजह से है क्योंकि इसमें हम लोग ने ओटी पेस्ट को यूज किया है, अगर हम लोग स्लरी को यूज करते और इसमें हम लोग अगर एवस को यूज करते तो ये झाग इस तरीके से नहीं टिकती, क्योंकि उसमें फोम स्टेबिलाईजर्स नहीं होते हैं। एओएस हमेशा शैम्पू के लिए बना था, एसेलियस हमेशा शैम्पू के लिए बना था, और शैम्पू की झाग आप लोग जानते हैं कि कितनी महीन होती है, जल्दी फट जाती है, हाथ में लेते ही गायब हो जाती है, होता है कि नहीं? तो इसमें हम लोगों ने थोड़े से ऐसे केमिकल्स मिलाए हैं जिसमें झाग देर तक टिके, जिसका टिकाऊपन ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा अब एक बार इसमें हम लोग एक बार कपड़ा भी धो के देखेंगे, देखिए इसमें हम लोगों ने पानी को निकाल लिया है, और इस आप इसको इसमें पकड़ लीजिए, अभी इसमें देखिए कपड़ा धोया नहीं गया है, ठीक है। अब ये गंदा कपड़ा है, ये देखिए आप एक पहले दिखा दीजिए लोगों को गंदा कितना है, देखिए कपड़ा कितना गंदा है, पीछे भी करके दिखा दीजिए एक बार, ठीक है मैल लगी है सर। अब इसको हम लोग इसमें धोएंगे और इसका पानी एक बार और निकालेंगे, पानी निकालने का हमारा फंडा क्या है, पानी इसलिए बार बार निकालते हैं क्योंकि अभी देखिए ये प्रोडक्ट घुला है इसमें, अभी इसमें कोई कपड़ा धोया नहीं गया है, धोने के बाद जो भी मैल इसमें होगी पानी में चली जाएगी, तभी तो ये कपड़ा साफ होगा। तो पानी अगर गंदा हो रहा है तो उसका मतलब है प्रोडक्ट ने सफाई करी, आंखों से तो हम लोग ऐसे ही चीजों को जज कर सकते हैं, देख सकते हैं जी। तो हम लोग देखिए इसमें डाल देंगे अभी कपड़ा, अरविंद जी एक बार धो दीजिए, देखिए ज्यादा देर नहीं धोएंगे क्योंकि लाइव वीडियो चल रहा है, एक मिनट में ही इसकी सफाई को जज करने की कोशिश करेंगे, एक मिनट के अंदर ही देखिए कितनी सफाई कर देगा। और ये धोते समय क्या इसमें झाग मर रही है? ना। जैसे कि वैसे ही है लगभग,
ठीक है, हवा भी चल रही है, हम लोग आउटडोर में भी हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी इसकी झाग काफी टिकाऊ है। अरविंद जी एक बार रगड़ के धो दीजिए। अच्छा, मैं एक सभी दर्शकों को बता दूं एक बात, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, क्या जिद्दी से जिद्दी दाग क्या वॉशिंग पाउडर साफ कर लेता है? इसका जवाब मैं आपको आज देता हूं। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि जंग के दाग, ग्रीस के दाग, इंक के दाग क्या चले जाएंगे एक ही बार में? मैं आप लोगों से कहूंगा, देखिए ये डिपेंड करता है धोने के तरीके पे। ठीक, अगर आपसे भी जैसे एक मिनट की सफाई हुई है, अगर आप इतना ही करेंगे तो उसमें उतनी अच्छी सफाई, देखिए मैल तो निकल गया, मैल तो देखिए आप लोग बताइए निकला कि नहीं निकला? निकल गया, मैल निकल गया जी, निकल गया। ठीक, लेकिन वो जंग के दाग नहीं जाएंगे। ठीक, जंग के दाग आसानी से वॉशिंग पाउडर के नहीं जाते, चाहे आप उसको सर्फ एक्सल से धो के देखिए, चाहे आप व्हील से धो के देख लिए, चाहे आप घड़ी से धो के देखिए, चाहे आपको जो भी वॉशिंग पाउडर अच्छा दिखता हो, एरियल वगैरह, सबसे भी धो के देख लीजिए, जंग के दाग नहीं जाते। तभी हम लोग ड्राई क्लीन पे प्रोडक्ट्स को भेजते हैं, नहीं तो ड्राई क्लीन खत्म हो जाएगा। क्या करता है एक वॉशिंग पाउडर, किसी भी चीज को अगर हम लोग ऐसा बना देंगे वॉशिंग पाउडर को कि एक ही बार में सारे दाग हटा दे, तो कपड़े का कलर भी हटा देगा, कपड़े की क्वालिटी को भी खराब कर देगा। तो इसमें इतने हार्श केमिकल नहीं डाले जाते, इसमें इतने ऐसे केमिकल नहीं डाले जाते जो कलर को, कपड़े के फैब्रिक को, मतलब कपड़े के धागों को ना काट दे, नुकसान ना पहुंचा दे। तो हम लोग इसमें माइल्ड डालते हैं। आप कई वॉश करेंगे, 2 से 3 वॉश 4 वॉश करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो जिद्दी से जिद्दी दाग हैं वो धीरे धीरे करके हटते हुए आपको दिखेंगे, कम होगा कम होगा कम होगा। लेकिन कोई भी वॉशिंग पाउडर, चाहे वो व्हील हो, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो सर्फ एक्सल हो, एक बार में जंग के दाग नहीं हटा पाए, नहीं हटा पाता है, जिद्दी से जिद्दी दाग नहीं हटा पाता है। अगर ऐसा कोई भी वॉशिंग पाउडर करेगा तो कपड़े को भी खराब करेगा। ठीक है जी, तो ये कई लोगों का सवाल रहता है, तो आज मैंने इसका जवाब भी दिया आप लोग के सामने। अच्छा, अब आप देखिए, इसका पानी हमने निकाला और एक ही मिनट सफाई करी, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा नहीं, कि ये और ये में ये थोड़ा गंदा हो गया है धोने के बाद भी। और आपके सामने सफाई तो देखिए, ऊपर के मैल को इसने साफ किया, अभी इन्होंने सिर्फ 30 सेकंड 40 सेकंड ही धोया कपड़ा, थोड़ा भिगो के इसको करेंगे तो ये पूरा साफ कर देगा। अगर आपको किसी वजह से इसमें हल्की फुल्की फोमिंग और हल्की फुल्की क्लीनिंग को बढ़ाना है, तो इसमें स्लरी और सोडा ऐड नहीं करना है, आप इसमें हल्का सा ओटी पेस्ट बढ़ा सकते हैं या थोड़ी सी कास्टिक को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं, दो ही चीज बस, क्योंकि सारा कुछ उसी में। अगर किसी भी मेरे भाई को लगे कि हल्का फुल्का इसमें है, ये प्रोडक्ट अपने प्राइस टैग पे बढ़िया काम करता है, किसी और प्रोडक्ट के अगल बगल इसको जब जज करेंगे, मतलब एक अगर आपका कोई आदमी आपसे बोलता है कि ये प्रोडक्ट उनको नहीं समझ में आया, तो मैं कहूंगा कि आप इसी के जैसा प्रोडक्ट, इसी प्राइस रेंज का प्रोडक्ट एक और यहाँ पे बकेट लगा के उसमें बिल्कुल सेम पानी और सेम क्वांटिटी लेके करेंगे, तौल नाप तौल के करेंगे जब, तो आपको ये प्रोडक्ट मेरा अच्छा दिखेगा। और यही कंपैरिजन टेस्ट होता है, हर बार हम लोग सबसे करवाते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करने, देखिए स्कूल कॉलेज में हम लोग क्या करते हैं जी, एक ही एग्जाम पेपर सभी बच्चों को देते हैं, उसमें से जज करते हैं कौन फर्स्ट आया, कौन सेकेंड आया, कौन थर्ड आया, तो नाप मापदंड सबके एक ही होते हैं, नापने के और देखने के ना, सबका तो मापदंड, पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका अलग, वो तो इंडिविजुअल सबकी अलग होती है, लेकिन क्वेश्चन पेपर तो एक ही होता है, एक ही होता है, सवाल सबके सेम होते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बिल्कुल सेम पानी लें 2 बकेट में, सेम पाउडर की क्वांटिटी लें और सेम 30-30 सेकंड दोनों में ही झाग बनाए, तो ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा झाग दे रहा है। आसान है, इसके लिए बार बार लैब नहीं जाना पड़ता, लैब में 10 से 12 हजार रुपए खर्चा होते हैं हर बार। अगर बड़ी लैब में आप गवर्नमेंट लैब में टेस्टिंग कराओगे 10 ही हजार रुपए खर्चा हो जाते हैं। ठीक, तो आप अगर हर प्रोडक्ट अपना रोज बना रहे हैं और रोज ही आप बेच रहे हैं, तो रोज तो लैब नहीं ले जा सकते, तो कैसे देखेंगे? अपनी जो आंखों से देखेंगे ना, जो आपकी आंखें सही गलत बोलेंगी उसी को मानेंगे ना। और उसके लिए आपको एक मानक बनाना पड़ेगा कोई भी प्रोडक्ट कि किसके अगेंस्ट कितना अच्छा है। लोग क्या करते हैं, जब हमने जैसे आपको ये प्रोडक्ट दे दिया और आपने बाजार में दिया, तो कुछ लोग इसमें मध्य कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, कुछ लोग कह सकते हैं प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। ठीक है मैम, ऐसा होता है जी। ठीक, सेल्स कैसे करें, हम सेल्स की बात कर रहे हैं आज। सेल्स में आपको या तो ऐड करनी चाहिए, आपके बारे में आपको लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से हम भी यूट्यूब पे अपनी ऐड करते हैं, एक तरीके से ऐड है मेरी। ठीक है, अपनी बात को दूसरों तक रखना आना चाहिए। अगर आप नहीं रख पाते हैं, तो आपको कम से कम उस आदमी से जो सवाल उठा रहा है उसको एजुकेट करना पड़ेगा कि देखो दोस्त, मेरे प्रोडक्ट में दम है। और ये कैसे आप कर पाओगे, जब आप कॉन्फिडेंट हो गए।
प्रोडक्ट को लेके कि मेरा प्रोडक्ट काम भी कर रहा है, करेक्ट? ऐसा होता है जी, होता है। अगर प्रोडक्ट काम नहीं करेगा तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो आप दूसरों को बता नहीं पाओगे। हमारे देखिए सिर्फ दो प्रोडक्ट हमने इसमें मिलाए और दोनों प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। क्या इसमें मैंने सोडा सरी मिलाया? ना। क्या इसमें मैंने एओएस मिलाया? ना। बिना उसके भी झाग और सफाई हो रही है? बढ़िया। तो जब ये प्रोडक्ट मेरे काम कर रहे हैं तो मुझे उस बात पे कॉन्फिडेंस है, तभी मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो पे ला पाया, दिखा पा रहा हूँ। अगर मुझे लगता कि मेरा प्रोडक्ट काम नहीं करेगा तो मैं आपसे नजर बचाता, छुपता और बोलता अरे चलो घर ले जाओ, वहां पे यूज करो। लेकिन मैंने आपको कहा कि वहां देखिए बना, आइए इसको कैसे काम करता है ये भी देखते हैं, करेक्ट? इसलिए क्योंकि मुझे ये पता है कि ये प्रोडक्ट्स काम करेंगे, राइट? ये प्रोडक्ट्स हमने इस स्तर पे बनाए हैं, इसको इतना इम्प्रूव किया है। समय के साथ हर चीज इम्प्रूव भी की जाती है, हमने अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव भी किया है, ठीक है? कमियां थी उसको सुधारा है और आज इस स्टेज पे पहुंचाया है कि किसी को भी आप दे देंगे इन प्रोडक्ट से बना हुआ वॉशिंग पाउडर, उसको पसंद आएगा, ठीक है? आपको भी ये कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा कई बार इसको इस तरीके से झाग बना के। देखिये मैं जानबूझ के इतनी लंबी बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, देखिए कहीं पर भी जो किया भी झाग जीरो नहीं हुआ, अभी भी झाग है ना जी। और देखिए कपड़े में भी देखिए सफाई दिखने लग गई है, देखिए धोने के बाद, ठीक। अब ये जैसे कई तो इसमें देखिए जंग के दाग हैं, कई चीजें इसमें ऐसी, लेकिन बेसिक जो इसमें गंदगी थी वो लगभग निकल गई, साफ हुई है। तो ये अभी और धोया जाएगा और इसको भिगोया जाएगा तो ये और बेटर होगा, लेकिन काम करता हुआ आपको दिखाइए प्रोसेस, कम समय में भी काम करता है, कहने का मुद्दा ये है। बाकी अगर कोई भी मैम सवाल हो आपके? नहीं सर, हम लोग तो जो सोच करके आए थे, सोचे थे हम लोग तो ऑनलाइन देखे थे यूट्यूब पर, लेकिन सोचे कि नहीं जा करके मिलते हैं सर के साथ, मिल करके वहाँ देखते हैं जो वहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा वो हम आ करके वहाँ से। मैम देखिए क्वालिटी एक बहुत छोटा सा पार्ट है एक प्रोडक्ट को डेवलप करने में जी, मेन चीज होती है उसको बेचना, ठीक। बेचने की अलग क्लास है मेरी, मैं अभी आप सभी को वही, इनको भी वही दे रहा था, आपको भी करूंगा। बेचना एक बहुत बड़ा टॉपिक खुद में, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो सिर्फ आपको बनाना प्रोडक्ट बताएंगे, ऐसा 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 कर लो प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई भी ब्रांड नहीं चला रहा है, किसी का भी सक्सेसफुल ब्रांड मार्केट में नहीं है, ब्रांड होगा भी तो चल नहीं रहा है। हम लोग सक्सेसफुल ब्रांड ओनर है पिछले 60 सालों से, हमारे ब्रांड्स मार्केट में चल रहे हैं, उसकी रिपीट आ रही है, और उसके ज्ञान से, सेल्स के ज्ञान से हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे वॉशिंग पाउडर को बनाना है और उसको बेचना भी है, क्योंकि बेचना अगर आपको नहीं आएगा तो आप वन टाइम काम कर पाओगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, हमने आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट दे दिया, आपको उसको बेचना नहीं आता आप मार्केट में फ्लॉप हो जाओगे, फ्लॉप हो जाएगी। अगर मैं आपको ये भी ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे उसको बेचना है जी, तो आप सक्सेसफुल होगे, आप रिपीट करोगे, आप भी ग्रो करोगे। मेरा एम ये है कि सभी लोग ग्रो करें, और जब सबको तुम एक एक ऐसी फोर्स बन जाऊं मैं कि सबको अगर मैं ग्रोथ में ले आऊंगा तो उससे मेरी भी ग्रोथ होगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? बस इतना सा एम रखा है जी कि सब बढ़े आगे तो हम भी बढ़े आगे उनके साथ, ठीक है? कुछ भी मन में आपके कोई सवाल हो इसके बाद, यहीं पे इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना हो? नहीं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आपने बनाया है, बहुत आपको ठीक लगा, आंखों के सामने आप लोग ने जज किया। अब एक बार बच्चों आप लोग खुद, मैं अब इसको वीडियो में नहीं शूट करूंगा, आप लोग खुद इसको बना के मेरे सामने एक बार और देख लो, जिससे क्योंकि आप ही को बेचना ही है, ठीक है? तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि हम झाग बना पा रहे हैं, किसी को समझाना कैसे ये चीजें सीखनी है आपको, ठीक है? हम इस वीडियो को यहीं पर रैपअप करते हैं। थैंक यू सर, आप लोग का सबका थैंक यू, इतनी दूर से सब लोग आए हैं, और जिसको भी अगर ये वीडियो पसंद आया तो उस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकता है। बाकी मैं नंबर्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप हमारी ट्रेनिंग होने वाली है 15 तारीख को, वेबिनार होने वाला है उसको ज्वाइन करिए, ऑनलाइन वेबिनार है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड।